भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में प्रशासन द्वारा तुलसी प्रदर्शनी दिखाई गई है। भगवान श्री राम के भक्त तुलसी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार और तुलसी की यादें नई हो सकें, जिसको लेकर चित्रकूट जिला प्रशासन ने रामायण मेले में तुलसी प्रदर्शनी का आयोजन कराया है। भक्त श्रोमणि तुलसीदास को अपने आराध्य यानी कि प्रभु श्री राम के दर्शन भी हुए थे। उनके जीवन के वो सर्वोत्तम और महत्तम क्षण रहे होंगे। लोक श्रुतियों के अनुसार तुलसीदास को आराध्य के दर्शन चित्रकूट में हुए थे। आराध्य युगल राम लक्ष्मण को उन्होंने तिलक भी लगाया था, इसलिए चित्रकूट को खास माना जाता है और प्रशासन ने तुलसी प्रदर्शनी का आयोजन चित्रकूट के रामायण मेले में कराया है, ताकि पर्यटक यहां आकर चित्रकूट में तुलसी के ग्रंथों को जान सके और तुलसी की यादें नई हो सके। ये तो राम जो है पूर्वी इतिहास है हमारे, जो जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और आगे चल करके अपना हिंदुत्व जो है बढ़ता रहे, और यही तो रामायण मेला का। इस प्रदर्शनी में आपने क्या खास देखा यहाँ पर आज? प्रदर्शनी में हर चीज़ खास है, मगर विशेष करके जो विद्युत जन आए हैं वो हमें विशेष पसंद है, और फिर इसके बाद में जो रासलीलाएँ हो रही हैं उसमें भी अच्छा भक्ति का आनंद मिल रहा है। जी, आपको अवगत होगा कि ये राष्ट्रीय रामायण मेला का पर्व चल रहा है। ये 5 दिन दिवसीय आयोजन है, 18 से 22 तक महाशिवरात्रि से ये प्रारंभ हुआ है, ये 22 तक चलेगा। इसी की कड़ी में एग्जीबिशंस लगाए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, रामायण अर्चना हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, और कृषि विभाग के अंतर्गत सारे विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं चित्रकूट में, ये कथा रघुनाथ की प्रदर्शनी लगाई गई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। इसमें ये दर्शाया गया है कि रामायण का हमारे जीवन चरित्र पे कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे पल पल की घड़ियों में रामायण का हर कथा का अध्याय का चरितार्थ होता है, उसी को यहाँ पर एक दिखाने की परंपरा की गई है, और जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं या राष्ट्रीय रामायण मेला के जो आयोजन हो रहा है, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हो और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि।